गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास सिक्स में जो है क्लास सिक्स साइंस में जो है मैं चैप्टर जो है आपका फोर्थ नंबर पढ़ा रहा था। इसके पहले क्लास में आपको पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस में। मैंने आपको होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस मिक्सर के बारे में पढ़ा चुका था। अब मैं जो है इस क्लास में जो है सेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए मिक्सर। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए मिक्सर पढ़ेंगे। मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर प्योर कंपोनेंट। कहते हैं मिक्सर जो है, ध्यान देखो, मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर प्योर कंपोनेंट। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट। मिक्सर में आप ध्यान देंगे कि जो भी मिक्सर में मिला हो उनकी जो है कंपोनेंट जो भी है उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो कहते हैं मिक्सर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सर सेपरेटेड इन देयर प्योर कंपोनेंट में, उसको मैंने शुद्ध कंपोनेंट में हम उसको जैसे अलग कर सकते हैं। दिस कैन बी डन, यह किया जा सकता है किसके द्वारा, यूजिंग द डिफरेंट इन ए प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज का उपयोग करके हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक ए मिक्सर ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर। आयरन फाइलिंग और सल्फर, आयरन एज वी नो इट अट्रैक्ट द मैग्नेट। आयरन के बारे में जानते हैं कि आपको मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। वाइल सल्फर डज नॉट हैव ए दिस प्रॉपर्टी, देयर फॉर ए मैग्नेट कैन बी यूज टू रिमूव द फाइलिंग फ्रॉम द मिक्सर ऑफ द आयरन एंड सल्फर। अब यहाँ देखेंगे हमको नीड क्यों होता है सेपरेशन के लिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने के लिए है कि हमको नीड क्यों है, नीड ऑफ द सेपरेशन, किसी भी सेपरेशन को करने के लिए हमको ज़रूरी क्या होता है, यहाँ ध्यान देने के लिए। यहाँ ध्यान देखिए, नीड ऑफ सेपरेशन, इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ए मिक्सर इनटू द इट्स कंपोनेंट। यह जरूरी है टू सेपरेट ए मिक्सर इनटू इट्स कंपोनेंट, देयर रिकवर ए यूजफुल कंपोनेंट। मैंने एक आवश्यक जो है शुद्ध पदार्थ को जो प्राप्त करने के लिए जो हमको मिक्सर से जो है इसको मिक्सर से कंपोनेंट को सेपरेट करना जरूरी होता है, और टू रूम ए अनडिजायरेबल कंपोनेंट। टू सेपरेट ऑफ द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर एंड रिकवरी ए पेट्रोल। जैसे एग्जांपल्स में क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, मैंने सी वाटर से हम साल्ट को अलग करते हैं, एंड द रिकवरी ऑफ द पेट्रोल, रिकवरी ऑफ पेट्रोल कुकिंग गैस एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्रूड ऑयल्स आर सम एग्जांपल्स। कहते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ यूजफुल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग ए मिक्सर इनटू कंपोनेंट। कैसे हम मिक्सर से जो है यूजफुल कंपोनेंट को जो है सेपरेट करते हैं। द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल कंपोनेंट इंक्लूड डस्ट पार्टिकल्स जर्म फ्रॉम द रिवर वाटर टू मेक ड्रिंकिंग्स एंड रिमूव इम्प्योरिटी सच एज जो कहते हैं द रिमूवल ऑफ द अनडिजायरेबल कंपोनेंट, अनडिजायर जो हमारी इच्छा के विरुद्ध जो है उस कंपोनेंट को जो है सेपरेट करना है या अलग करना है, हटाना है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म जैसे डस्ट हुआ पार्टिकल्स और जर्म यानी कीटाणु होता है रिवर वाटर्स टू मेक इट ड्रिंक एंड रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज पीसेस ऑफ स्टोन हस्क फ्रॉम द ग्रेन मेक देम एडिबल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सेपरेशंस। अब यहाँ हम देखें कौन कौन से मेथड होते हैं। अब यहाँ एक करके हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड। कहता मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड टू सॉलिड मिक्सर।
और सॉलिड से सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का उपयोग करते हैं। सम ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द अनदर सॉलिड्स आर एज फॉलो। पहला हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के द्वारा हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए चावल में आपका पत्थर है तो उसको क्या कहते हैं, मानी जो अनडिजरेबल क्वांटिटी हमारा क्या होगा, अधिक मात्रा में, अनडिजरेबल क्वांटिटी जो थोड़ी मात्रा में होगा होगा तो उसको जो है हैंड पिकिंग के द्वारा करते हैं। अगर अधिक अमाउंट में होगा तो हैंड पिकिंग से करना जो हमारा बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए जो अगर अनडिजरेबल कंपोनेंट अगर थोड़ा उसकी मात्रा बहुत कम हो तो उसको जो है हाथ से चुन करके कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग हैंड पिकिंग। इफ़ वी हैव ए बॉक्स कॉन्टेनिंग ए ग्लास बीड्स ऑफ द थ्री डिफरेंट कलर्स, हाउ वुड यू सेपरेट द डिफरेंट कलर बीड्स? यू विल पिक द आउट वन बाय हैंड एंड पुट देम इन द सेपरेट फाइल्स। अब यहाँ ध्यान देंगे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग है क्या जी? अभी क्या है तो हैंड पिकिंग का अगर डिफिनेशन हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए हैंड पिकिंग इज ए मेथड ऑफ द सेपरेशंस। हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन एन अनवांटेड सॉलिड इम्प्योरिटी फ्रॉम यूजफुल सॉलिड्स बाय हैंड पिकिंग इज मैंने हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड सॉलिड इम्प्योरिटी फ्रॉम द यूजफुल सॉलिड बाय द हैंड से करते। इसको जो है मैंने हैंड पिकिंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड सॉलिड इम्प्योरिटी को फ्रॉम यूजफुल सॉलिड, मैंने यूजफुल सॉलिड अनडिजरेबल सॉलिड को जो है हाथ के द्वारा चुनकर जब करते हैं तो इस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अनदर की ओर। अब हैंड पिकिंग का कोई एग्जांपल सब देखेंगे। ए क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज द स्मॉल ए क्वांटिटी अनडिजरेबल हमारे कब हम करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हैंड पिकिंग। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन कब यूज करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज ए स्मॉल द क्वान्टिटी ऑफ अनडिजरेबल कम्पोनेंट इज इन द मिक्सर इज ए स्मॉल देर इज विजिबल्स डिफरेंट बिटवीन द कम्पोनेंट ऑफ द मिक्सर। एक मेन का तो उसकी क्वान्टिटी कम होना चाहिए और दिखाई देना चाहिए। अब इसके बाद अनदर मेथड हम चलते हैं सीविंग। अब सीविंग है क्या जी? सीविंग यहाँ देंगे जिसको हम कहते हैं चलना, चलने से चलना। तो सीविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कम्पोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज इन यूजिंग ए सीव, मैंने जब हम कंपोनेंट मिक्सर में जो कंपोनेंट का साइज जब अलग अलग होता है तो हम उसको सीविंग का यूज करते हैं। दिस मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द कंपोनेंट डिफरेंट साइज इन द मिक्सर ए सीविंग इज अ मेस फिक्स्ड टाइटली इन ए फ्रेम। सीव इज कॉमनली यूज इन द किचन टू सेपरेट द अनवांटेड इम्प्योरिटी फ्रॉम द फ्लोर्स। ए ह्यूज सीव इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन सीव्स सेपरेटिंग द सैंड एंड ग्रेवल्स, यानी बालू को चालने के लिए हम लोग कहते हैं जब घर में काम लगता है तो हम क्या सीव का यूज करते हैं चालने के लिए, जिसको आप लोग सब देखे होंगे। आटा को चालते हुए आप देखे होंगे घर में, मैंने उसे चोकर निकालते हुए, तो एक मेथड होता है सीविंग होता है। इन दिस मेथड अब यहाँ देखिए इन दिस मेथड सॉलिड इज लार्जर देन द होल्स। सॉलिड कुछ होता है लार्जर देन द होल होता है। इन द सीव आर रिलेटेड ऑन द सीव्स एंड द स्मॉलर सॉलिड पासेस थ्रू इट यूजिंग द मेनी सीव ईच विथ द मेस ऑफ द डिफरेंट साइज इट इज पॉसिबल टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ द थ्री मोर डिफरेंट साइज कंपोनेंट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? व्हेन व्हीट और राइस क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, जब कोई भी जब खेत में जब पौधे लगाते हैं अगर हार्वेस्टिंग के लिए हम उपयोग करते हैं थ्रेसिंग। देखें व्हेन द व्हीट और ए राइस
राइस क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, मैंने फसल पक करके तैयार होता है, उसको कटाई के लिए तैयार होता है। द स्टॉक आर कट, द स्टॉक को जो है डंठल से ही तो हम काट लेते हैं। एंड बीटन टू द रिलीज द ग्रेन, उसको किसी बड़े पत्थर पर या तक लकड़ी के जो है बड़ा सा तख्ता पर जो हम उसको पीटते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इसी को हम कहते हैं थ्रेसिंग। आजकल मैकेनिकल के द्वारा कंबाइन मशीन के द्वारा होता है, जो एक तरफ से काटते जाएंगे और एक तरफ निकलते जाएगा। थ्रेसिंग इज द मेथड, अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे थ्रेसिंग क्या है। थ्रेसिंग इज ए मेथड सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक यूजिंग द वायलेंट मूवमेंट, माने थ्रेसिंग क्या होता है, एक मेथड है जिसे स्टॉक से हम फसल को अलग करते हैं। थ्रेसिंग कैन एल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस, हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड ए थ्रेसर। ए कंबाइन हार्वेस्टर्स, द थ्रेसर हैज रोटेटेड पेडल्स दैट बीट द ड्राई एंड बीटल्स, कहते हैं ब्रिटल्स स्टॉक। अब यहाँ देखेंगे, अब थोड़ा अब देखिएगा, फसल जब काट के लाते हैं उसको ग्रेन को अलग करते हैं, उसके साथ कुछ जो भूसा या छोटा छोटा खरपतवार होते हैं उसको हम कैसे अलग करते हैं। इसके लिए अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है विनोइंग। द मिक्सर ऑफ द ग्रेन एंड कॉल्स ऑप्टन आफ्टर थ्रेसिंग इज ड्रॉप्ड स्लोली फ्रॉम द हाई इन द ब्रिज कंडीशन, मैंने हवा जब चलती है उस स्थिति में द हैवी ग्रेन फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउन व्हाइल अनवांटेड लाइट चार्ल्स इज कैरी टू द सम डिस्टेंस बाय द ब्रिज। दस टू डिफरेंट हीप्स ऑफ द लाइट एंड हैवी मटेरियल्स आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ए विनोइंग। तो क्या विनोइंग हमारे का तो देख लीजिए, विनोइंग कथा विनोइंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइट पार्टिकल सच एज होस्क फ्रॉम द हैवियर पार्टिकल, हैवियर पार्टिकल से हल्के पार्टिकल को हवा के द्वारा अलग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं विनोइंग। अब बच्चों मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको फिर इससे कुछ और फर्दर जो है स्टेप हैं सेपरेशन का, मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द मिक्सर, उसके बारे में फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ओके थैंक्स।